विशेष चैनल दे माध्यम दे नाल सरना भरावां नूं प्रमोट किया जा रहा है। जथेदार अकाल तख्त साहब वालों भी इस गल की हुक्म होया सी कि श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी अपना चैनल चलाए, अपना चैनल शुरू करे, लेकिन अज भी गुरबाणी का प्रचार ते प्रसार जेड़ा वो PTC चैनल दे उत्ते हो रहा है। एक परिवार नूं फायदा पहुँचाया जा रहा और उस चैनल दे माध्यम दे नाल दिल्ली दे विच जेड़े शराब दे नशियां दे विच जिन्हां दे परिवार इनवॉल्व है, जो कि थोड़ा समा पहले श्रोमणी अकाली दल दे दिल्ली दे प्रधान बने आ, उन्हां नूं उस चैनल दे माध्यम दे नाल प्रमोट किया जा रहा है। और सूत्रां तो यह भी जो पता चलिया, जो मार्केट दे विच गल चल रही है कि PTC चैनल वालों करोड़ा रुपया जिहड़ा है वह श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं देना बकाया है। इस गल दी जथेदार साहब ने भी जो PTC चैनल दा श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दे नाल की इकरारनामा होया उस नूं जग जाहिर करन दी गल कीती सी, लेकिन अज तक वो इकरारनामा नहीं दस्या गया, संगत नूं नहीं दस्या गया कि उस इकरारनामे दे तहत की इन्हां दे विच आपस दे विच गलबात सी, की लैणा देणा सी। लेकिन ये जो सूत्रां तो पता लग रहा है कि करोड़ा रुपया PTC चैनल ने श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं अज भी जिहड़ा बकाया देना है। जो पंथ विरोधी है, जिन्हां ने पंथ विरोधी काम किए है, जिन्हां ने कौम का घाण किया है, जिन्हां ने 1984 के कातलों नूं बचाउण की कोशिश की है, जिहड़े अज असी अपने नौजवान पीढ़ी नूं नशियां तो बचाउण की गल कर रहे हैं, अज असी अपने नौजवान बच्चों जो कितने ना कितने भटके आ उन्होंने सीधे रस्ते पाउण की गल कर रहे हैं, लेकिन दूसरे पासे जो दिल्ली इकाई के प्रधान बने आ उन्हों का परिवार नशियां दे विच इनवॉल्व है। इस गल की प्रोड़ता ED और CBI दे जो नोटिस है, इनवैसटीगेशन हो गई है, केस शुरू हो गए, ये पक्की मोहर उस दे उत्ते लग गई है कि उन्हों के परिवार नशियां दे विच इनवॉल्व है। सो अज सानू जो असी इस पत्र जथेदार साहब नूं दिता है उस दे विच असी जथेदार साहब नूं बेनती की है दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों कि जिथे सरना भरावां दियां पंथ विरोधी कौम विरोधी और उन्हां दे परिवारां दी नशे दे विच इनवॉल्वमेंट होण दे बावजूद उन्हां दे उत्ते कोई कार्रवाई नहीं होई, तो जथेदार साहब नूं असी बेनती की आ कि उन्हां नूं अकाल तख्त साहब दे उत्ते तलब किया जाए। और श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी जिन्हां ने कि जथेदार साहब ने जो हुक्म किया सी कि वो इकरारनामा भी जग जाहिर करन और अपना चैनल जिहड़ा शुरू करन, उस दा भी जथेदार साहब दे हुक्म दी जिहड़ी आ उलंघना है। सो असी बेनती की है कि इन्हां नूं अकाल तख्त साहब दे उत्ते तलब किया जाए और जो बनती कार्रवाई आ वो इन्हां दे खिलाफ की जाए। ये अज असी दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों जथेदार साहब नूं बेनती की है। सरना भरावां दे परिवार दे विचों उन्हां दी श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान सरदार सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब दे विच धरने प्रदर्शन किए, जो सरना भरावां दे परिवार दीआं फैक्ट्रियां सी उन्हां दे खिलाफ। ये जग जाहिर है कि सरना भरावां दे किहड़े मैंबर जिहड़े आ उह नशे दे कारोबार च आ, उन्हां नूं नोटिस ED अखबारां दे विच सब दे नाम आ चुके आ। परमजीत सिंह सरना जां हरविंदर सिंह सरना नूं ED ने कदी तलब कीता इस मामले दे विच? देखो असी परिवार की गल कर रहे हैं, जे किसी परिवार के जे जदों आप परिवार की गल करते हैं, हाँ जी परिवार की गल करते हैं, तो एक परिवार मैंबर जरा दसिया जी जी सिंह सरना जी 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 बेटी है उस नूं तलब किया गया CBI वालों ED वालों और उन्हां दे खिलाफ नोटिस भी इशू होए आ, उन्हां दी इन्वेस्टिगेशन भी हुई आ, उन्हां दे खिलाफ केस भी होया।
जो रिश्तेदारी परिवार है, परिवार है तो परिवार के नाल बिल्कुल दोषी नहीं, अगले घर नहीं चलेगी जी, परिवार तो उन्होंने ही है ना, अगले घर किवें चलेगी, परिवार तो उन्होंने उस परिवार के बिचों ही है ना, उस बिल्कुल शेल्टर देंगे, शेल्टर देने करके ही, शेल्टर देने करके ही उन्होंने श्रोमणी अकाली दल ज्वाइन किया। पिछले 20-22 साल तो लगातार वो पानी पी पी के कोसते सी, उन्हां नूं श्रोमणी अकाली दल नूं सरदार सुखबीर सिंह बादल, सरदार प्रकाश सिंह बादल, श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी पिछले 20 सालों तो सरना भरा जिहड़े कोसदे आए सी, अज ऐसा कि उन्हां दा प्यार जाग पिया कि वह उस पार्टी दे विच शामिल हो गए। इहदा कारण यही सी कि उन्हां नूं पंथक कवच चाहीदा सी, उन्हां नूं शैल्टर चाहीदा सी ईडी सीबीआई तो बचण लई, जिहदे करके मैं समझदा कि उन्होंने ये जिहड़ा कदम पुटिया। नहीं, साढ़े वालों जो सिरसा साहब श्रोमणी दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान से, सारी टीम एक सी, उस तो बाद उन्होंने जो मैंबर नहीं बने वो अपना उन्हें दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली है, ठीक है, वो सरकार के नुमाइंदे आ, लेकिन असी दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी अपना प्रबंध चला रही है, इंडिपेंडेंट प्रबंध चला रही है, कोई ऐसा कोई श्रोमणी कमेटी ने गोलक का दोष लाया कि सरने भरावां दे उत्ते खर्च किया जा रहा है, ये की सबूत ने कि किन्ना का खर्च कर चुके ने, करोड़ों रुपए कह रहे हैं, इहदा सबूत है कि हुणे रीसेंटली जिहड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिहड़ी सरना साहब ने कीती है, जिहदे च श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के मैंबर साहब उन्होंने नाल बैठे आ, उहदे विच उन्होंने 5-5 करोड़ रुपया जिहड़ा वो चाहे दिल्ली नूं देण वास्ते गल कीती आ, जिहड़े कार्ज दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दिल्ली दे विच ऑलरेडी कर रही है, उत्थे फ्री MRI कर रही है, फ्री डायलिसिस कर रही है, CT स्कैन कर रही है, यात्रावां जिहड़ियां संगत दीआं दिल्ली दीआं उहनां नूं मुहैया कराई जा रही बसां दिल्ली कमेटी वल्लों, तो मैं समझदा उसे काम नूं रिपीट करना ये सरना भरावां नूं प्रमोट करन वाली गल सी, ना कि संगत दी, क्योंकि संगत नूं तो सुविधा मिल रही सी, जे श्रोमणी कमेटी करना चाहुंदी सी ते पंजाब दे विच MRI फ्री कीती जा सकदी सी, CT स्कैन कीते जा सकदे आ, मेडिकल सुविधा फ्री दित्ती जा सकदी है पंजाब दे विच, दिल्ली दे विच जा के देण दी की लोड़ पै गई। कालो साहब तुसीं कहिंदे पए हो सरना भरावां ते श्रोमणी कमेटी पैसे खर्च कर रही है, श्रोमणी कमेटी दे कई स्कूलां दे टीचर धरने ला के बैठे ने, उहनां नूं 6-6 महीने तों तनखाह नहीं मिली, फिर ये तो उन्हें जवाब देंगे ना जी, ये तो जथेदार साहब ना, यही तो यही बेनती असी जथेदार साहब नू कीती आ कि इसका पुछया जाए कि जे पंजाब दे विच लोड़ है, पंजाब दे विच टीचर धरना दे रहे हैं जिदा तुसी दस्या, जे इत्थे दा स्टाफ धरना दे रहा, तो फिर दिल्ली दे विच जाके 5 करोड़ रुपया अनाउंस करन दी की लोड़ पै गई। श्रोमणी अकाली दल ने कहा सी कि बंदी सिखां दी रिहाई दे लई आपां विरोध किया, लेकिन सवाल इतने 1984 के पीड़ित परिवार की गल आ रही थी, पार्टी की गल नहीं आ रही थी, जो 1984 का पीड़ित परिवार या साडा कोई शहीद परिवार कित्थे भी खड़ा, सानू उन्हां दी मदद जिहड़ी आ करनी चाहीदी सी, लेकिन सरना भरावां ने उसका विरोध किया। जितना या ना जितना बाद की गल है, लेकिन साडा एक पंथक पार्टी होने के नाते फर्ज बनता सी कि उसकी मदद की जाए। चलो आप मेन मुद्दे पे आइए, जो तुसीं दित्ता है वी जथेदार साहब नूं वी सरना भरावां दा शराब दे कारोबार जी जी इस तो वड्डा सबूत की हो सकता जी के उन्हां दी बेटी है जिसनू CBI ED ने नोटिस दे के बुला के कई कई घंटे तक पुछगिछ की आ, और हुण कोर्ट दे विच केस आ, इस तो वड्डा सबूत होर की चाहिए। इस दे विच इक सिस्टम चलता पाया कि जिहड़ा सत्ताधारी धिर तों थोड़ा जिहा बगावत करन लगता है वो ED ते CBI दे जिहड़ा हैगा निशाने ते आ जांदा है।
ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਾਲਿਸੀ ਜੋ ਬਣਾਈ ਗਈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ देखो जी दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी हमेशा ही श्री अकाल तख्त साहब नू सिर मौर मानती है और जो हुक्म है हमेशा ही दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों सिर मत्थे दे उत्ते मन्या गया है और इस तरह का कोई भी हुक्म नहीं सी कि ये दिन नहीं मनाना इस तरह का कोई नहीं सी जे कोई है तो तुसीं दिखा दिओ इहो जी कोई गल नहीं वड्डे पद्धर दे उत्ते दिन मनाया गया लोगों ने बहुत सारी प्रशंसा की कि श्रोमणी कमेटी नूं भी नहीं चाहिए कि आपां भी दिन मनाईए अपने ढंग नाल मना लैंदे अपने नां हेठ बना लैंदे पर श्रोमणी कमेटी ने क्यों नहीं मनाया जी ये मैं समझदा कि श्रोमणी कमेटी नूं जवाब देना चाहिए पर जिस तरह ये वड्डे पद्धर दे उत्ते मनाया गया पूरे संसार भर दे विच वर्ल्ड दे विच साहबजादियां दे जो इतिहास सी उसकी जानकारी मिली चाहे वह केरला सी करनाटका सी चाहे त्रिपुरा सी मणिपुर सी पूरे दिल्ली के हर सूबे दे विच हर स्कूलों के एयरपोर्टा ते मैट्रो दे विच बहुत वड्डे पद्धर दे उत्ते प्रचार और प्रसार होया सो मैं समझदा कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं भी मनाउणा चाहीदा सी कह रहे कि शराब दे केस दे विच ईडी ने सरना दे परिवार नूं तलब कीता देखो सिख सिख कौम दे विच सिख धर्म दे विच सिख पंथ दे विच ये जरूरी नहीं कि जो साबित होएगा तो फिर उस दे उत्ते कार्रवाई होएगी जे उसका नाम भी कितने आता है तो उसके उत्ते कार्रवाई बनती है क्योंकि धार्मिक प्रोग्राम गुरु ग्रंथ साहिब भगत सिंह की बाणी दर्ज है नहीं देखो कोई जी बोलद कोई अक्षर वाद घाट होना उन्होंने नहीं भगतानी बाणी की गल सी भगत सिंह नहीं वो कितने स्लिप ऑफ टंग हो गया होगा पर वो कोई इंटेंशन कोई यहोजी नहीं सी कि भी कोई गलत बोलना है लेकिन बिल्कुल उन्होंने पश्चाताप भी उस गल का किया है कि भी जे मैं कोई गलत वो बोलिया गया उन्होंने कहने का मकसद से भगतान की बाणी लेकिन वो भगत सिंह कह गया वो देखो मैं पहला गल कही है कि सिख पंथ दे विच जदों किसी नशे की इनवॉल्वमेंट किसी की आउंदी है उसनू तुरंत उहदे उत्ते एक्शन होना चाहिए ये इन्वेस्टिगेशन सरकारां ने कदों सरकारां दी इन्वेस्टिगेशन होएगी कदों कार्रवाई होएगी जे 10 साल केस चलेगा तो 10 साल बाद कार्रवाई नहीं होएगी इहदे उत्ते तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान ने पिछले दिन ही कोई विवादित बयान दिता सीगा जी गुरुद्वारा साहिब तो गोलकां छुट देनिया चाहीदियां ने ते संगत सिर्फ श्रद्धा नाल ही मत्था टेक के ते कई तरह श्रोमणी कमेटी दे सदस्य सी की गल कि अद्धे मैंबर इस्तीफा दे जाणगे नहीं जी ये बारे गुरु घर गोलक तो बगैर गुरु घर का प्रबंध किमें चलेगा और गोलक संगत की श्रद्धा है संगत अपनी श्रद्धा भावना के नाल जो नतमस्तक होंगी है तो जो भी भेटाव दी है सो ये मैं समझदा असं इस गल सहमत नहीं है गुरु घर गोलक होनी चाहिए देखो जी देखो असी 3 अगस्त तो जदों का इत्थे दफ्तर खोलिया वा असी लगातार पिंडां च आ गुरु साहब दे जिहड़े अस्थान ने गुरद्वारा साहब उत्थे संगत नूं जाके संबोधन करीदा सिख धर्म दे तो जाणू करवाईदा इतिहास तो जाणू कराईदा गुर इतिहास तो जाणू कराईदा पिंडां च शाम नूं असी प्रोजैक्टर दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी ने भेजिया धर्म प्रचार कमेटी पंजाब स्कूलों के जो विद्यार्थी ने उन्होंने जाके डायरैक्ट संबोधन किया जा रहा तो गुर इतिहास तो उन्होंने जोड़ा वा जाणू करवाया जा रहा जिहड़े लोग धर्म परिवर्तन कर गए से 2-3 बारी आप जी के सामने उन्होंने पेश भी किया तो होर लोग भी जिहड़े आ उन्होंने अपना जोड़ा वा घर वापसी की अगे तो ये गल धर्म परिवर्तन की जी पंजाब की जी ठल पई है रुकी है ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ
एसजीपीसी ने कहा कि फिल्मां ते नाटकां ते रोक लावांगे इस तरीके नाल कहिंदे कि बेइज्जती हुंदी आ जां गलत असर पैंदा बच्चियां ते कार्टून वरगियां फिल्मां दिखाणियां धार्मिक मसले ते दिखाणे रोक लाई होवे। देखो जिहड़ियां फिल्मां जिहड़ियां पहलां ऑलरेडी विखाईआं जा चुकियां ने जिहदे ते कोई किंतू परंतू नहीं ओह ही फिल्मां पिंडां च विखाईआं जा रहीआं ने। देखो जिहड़ियां फिल्मां है इन्हां फिल्मां दे माध्यम दे नाल वड्डे पद्धर दे उत्ते लोकां नूं जानकारी मिली। जे आपां चार साहिबजादे फिल्म की गल करिए तो पूरे संसार भर दे विच उह फिल्म नूं कई कई बार बच्चों वालों वेख्या गया। साहिबजादियां दी जीवनी दे बारे जानकारी मिली लोगों नूं। इस वारी उह चार साहिबजादियां दी फिल्म वालों साहिबजादियां दे शहीदी दिहाड़ियां दे विच दिखाउण ते रोक लगा दित्ती गई सी। ना उस नूं चढ़दी कला टाइम टीवी ते दिखाया गया, ना उहनूं पीडीसी ते, ना ही किसी होर चैनल उत्ते, मतलब कि रोक ही लगा दिते सी कि नहीं दिखाणी। जे असीं सारा कुछ अपना बंद करके रख लांगे तो फिर अपना अपने धर्म की अपने इतिहास की जानकारी लोगों को किस तरह दूर दूर तक पहुँचावे। असीं समझते हैं कि जानकारी जिहड़ी आ दूर दूर तक पहुँचनी चाहिए आ। बाकी जो अकाल तख्त साहब तो हुक्म होवे वो हुक्म जिहड़ा है वह सिर मत्थे। ठीक है, दिल्ली कमेटी वालों जी साढ़े ऑलरेडी जिहड़े यूट्यूब चैनल है जिदे ते गुरद्वारा बंगला साहब, गुरद्वारा सीसगंज साहब, गुरद्वारा नानक प्याऊ साहब, गुरद्वारा रकाबगंज साहब का प्रसारण नित्ता प्रति ऑलरेडी चल रहा है। वो असी जो भी प्रोग्राम है जिन्ना भी गुरबाणी का रोज़ उत्तों चल रहा है। धन्यवाद जी।